परांठे वाली गली पहुंचने के लिए आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर उतरें। परांठे वाली गली पहुंचने के लिए आपको बहुत ही पतली गलियों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। साठ में यहाँ पर करीबन 20 पराठों की दुकानें थी, जो कि अब सिमट कर सिर्फ 3 ही रह गई। हमें रास्ते में बहुत पुरानी पेड़े और लस्सी की दुकानें भी नजर आई, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये दुकान 150 साल पुरानी है जी। 1 पैसे से पराठा इससे करा था शुरू जी। आज 70 रुपए का पराठा है जी। पहले नीचे बैठ के खिलाते थे, अब अलग सिस्टम बना दिया है। पहले एक दो तरह के पराठे थे, अब 28 तरह के पराठे। यहाँ के पराठे साइज में थोड़े छोटे, लेकिन स्वाद में काफी अच्छे। अभी हम दिल्ली के फेमस चांदनी चौक एरिया में हैं और अभी हम परांठे वाली गली से वापस आए हैं पराठे खा के, और अब हम यहाँ पे आगे जलेबी वाला है, तो उसकी एक बार जलेबी ट्राई करके देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसी। शादियों की शॉपिंग के लिए भी यहाँ काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जलेबी वाले की फेमस दुकान शीशगंज गुरुद्वारे के काफी करीब है। अब हम ये जलेबी ट्राई करेंगे, लस्सी कैसी है। देसी, फुल देसी घी में बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जलेबी खाने के बाद हमें रास्ते में दौलत की चाट भी दिखी। ये बहुत ही बढ़िया है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। यह है फेमस दरीबा कला, जहाँ पे ज्वेलरी का बहुत सामान मिलता है। तो अगर आपको कोई भी गोल्ड से रिलेटेड या चांदी से रिलेटेड कोई भी ज्वेलरी का सामान लेना हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी एकदम सीधा लेना है, वो जो जलेबी वाला है उससे आप सीधा एकदम आ सकते हैं। तो ये है दिल्ली का फेमस किनारी बाजार, और ये अपने बेसिकली जड़ी बूटियों के सामान के लिए फेमस है। तो बहुत से फैशन डिजाइनर्स भी यहाँ पे आते हैं और सामान लेके जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।